हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम मटर मखाना चाट बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये थोड़े से उबले हुए मटर के दाने लिए हैं, फ्राइड आलू है ये, फ्राइड पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स हैं, थोड़े से मूंगफली के दाने हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, किशमिश और बादाम लिया है। थोड़े से ये भुने हुए मखाने हैं। इस चाट में डालने के लिए थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक ले लिया है, चाट मसाला है, काली मिर्च पाउडर है और ये आधे नींबू का रस है। इन मटर के दानों को हम थोड़ा सा भून लेंगे। एक चम्मच तेल डालेंगे इसमें हम। इनको बस 3-4 मिनट के लिए भून लेंगे। ये मटर हमारा भुन गया है, गैस बंद कर देते हैं। इसको मैंने 3-4 मिनट भुना है बस। इसमें अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स कर देंगे। ये आलू, पनीर, मूंगफली, ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिया मैंने, मिक्स कर लेते हैं इनको। इसमें मखाने हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। अभी सारे सूखे मसाले हम इसमें डाल लेते हैं। ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है इसमें। अब इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल लेती हूँ। लास्ट में मैंने ये मखाने डाल दिए इसमें। ये हमारी मटर मखाना चाट बिल्कुल रेडी है। इसको निकाल लेते हैं बाउल में। ये मटर मखाना चाट हमारी बिल्कुल तैयार है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।